यस प्लीज कंफर्म, इज इट ऑडिबल? Okay, so I think it's audible now, friends. So let's start with today's GP class. Okay. So GP class hai aaj, so let's start with this. So friends, we were doing this, we are covering this topic. So that is, I will say newsmakers, person in news, appointments, resignations, deaths. ठीक है, जो भी person news में रहे हैं, ठीक है, कोई election हुआ है, new prime minister बना है, new president बना है किसी country का, ठीक है, जो जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका में ऐसी काफी सारी countries हैं जहां पर अभी new president या new prime minister elect हुए हैं. ठीक है, बट वो जो countries हैं वो smaller हैं, वो ज्यादा news में रहती नहीं है, तो हमारे लिए इतना important नहीं है. ठीक है, आप जीके क्या है, जीके जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा वाइड है. ठीक है, तो आप उसे जितना मर्जी स्टडी कर सकते हैं, बट ये जो क्लासेस चल रही है, जो रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही है नॉन टेक्निकल में, तो इसमें हम वो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकती है. ठीक है, जिनके चांसेस काफी ज्यादा है. ओके, सो वी वर डूइंग दिस टॉपिक, सो दैट इज इम्पोर्टेंट पर्सन हूज हु. आज की क्लास में मैं इंडिया के अलावा भी कुछ और पर्सन भी डिस्कस करूंगा यहाँ पर. ठीक है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज आई विल डिस्कस, बिजनेस रिलेटेड आई विल डिस्कस आल्सो. ओके, सो ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप वीडियो के लिंक में गूगल ड्राइव पर इस आई विल से पीडीएफ की फॉर्म में इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, एंड अदर देन दिस, सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था उसे देख लेते हैं, देन आज का जो लेक्चर है उसे फर्दर प्रोसीड करते हैं. So these news we have discussed. हाँ जी, तो last time we have discussed these persons, Ajay Mathur, this Harshvardhan, Dr. Harshvardhan, and Girish Murmu, and GP Samanta we have discussed, Tirath Singh Rawat, again Uttarakhand ke jo chief minister hai, recently news mein tha, ye change ho chuke hain dobara se, theek hai, to se bhi hum study kar lenge. MV Rao, MD and CEO of Central Bank of India, then Surgeon General of US Vivek Murthy we have discussed last time. Okay, and other than this Virat Chandra we have discussed, Mount Kilimanjaro, scaled Mount Kilimanjaro, a 7 year old boy, and other than this ek humne girl ki bhi baat kari thi yahan par. Okay,
this 9 year old girl from again from Andhra Pradesh. So that was Ritvika. And then Kiran Bedi we have discussed. So recently yahan par government change hui hai, theek hai. So abhi iski government hai yahan par BJP ki hai plus All India NR Congress ki government hai. And N Rangaswamy yahan par kya hai current mein abhi chief minister hai. Okay, haan ji. So last time we have discussed this Kiran Bedi we have discussed what was the issue. 33 seat assembly hai. Okay, and Kiran Bedi yahan par lieutenant governor thi, theek hai. और जिन्हें रिप्लेस कर दिया है किसने, तेलंगाना के जो गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, एडिशनल चार्ज ले लिया है पुडुचेरी का. एंड दिस ऋत्विका वी हैव डिस्कस्ड, 9 year old गर्ल फ्रॉम आंध्रा बिकेम एशियाज यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो, अफ्रीकाज हाईएस्ट पीक. अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट किलिमंजारो, वो इन्होंने क्लाइम किया है. एंड अदर देन दिस विराट चंद्रा जो कि 7 year old बॉय है हैदराबाद से, उन्होंने भी स्केलिंग की है माउंट किलिमंजारो की, ठीक है, अलोंग विद हिज कोच. देन डॉक्टर विवेक मूर्ति अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सर्जन जनरल ऑफ यूएस, तो सेकंड टाइम में ये सर्जन जनरल बने हैं यूएस के, ठीक है. एंड 21st सर्जन जनरल हैं यूएस के ये अंडर यूएस प्रेजिडेंट बिडन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एंड इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. सिमिलरली यूएस में भी क्या है, हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आईएएस आईपीएस ये वाली जो सर्विसेज हैं, तो ऐसे यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज भी हैं. तो सर्जन जनरल का रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है. एमवीआर राव अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एमवीआर राव मातम वेंकटा राव एंड तीरथ सिंह रावत, अगेन इन्हें दोबारा से चेंज हो गए हैं, ठीक है. अभी उत्तराखंड में इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, तो इन्हें दोबारा चेंज कर दिया गया है. देन जीपी समंता चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड ओपीसीडब्ल्यू के एक्सटर्नल ऑडिटर किसको बनाया गया है, 3 साल के लिए गिरीश मुर्मू को बनाया गया है, ठीक है, जो कि करंट में क्या है कैग भी है इंडिया के. ओके, सो डॉक्टर हर्षवर्धन चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीपी पार्टनरशिप बोर्ड. एंड अदर देन दिस आईएसए इंटरनेशनल सोलर लाइन्स, ठीक है, इसका डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया, डॉक्टर अजय माथुर. ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये हमने डिस्कस किया था. एफसीआई आतिश चंद्रा वी हैव डिस्कस्ड, रिलेटेड एआई से रिलेटेड वी हैव डिस्कस्ड दिस संजीव कुमार. ओके, एंड रिलेटेड टू यूआईडीएआई वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो. आई विल से दिस सौरभ गर्ग वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, तो ये हमने यार डिस्कस कर लिया था अभी तक. सो लेट्स डिस्कस टुडे. ओके, सो अब देखिए यहाँ पर एक पर्सन है, आई विल से दैट इज आई विल से लोडविजिक फ्रेडरिक ओटन्स, ठीक है. सो एल एफ ओटन्स की रिसेंटली अभी डेथ हुई है. एल एफ लोटन्स, सो इन्हें लू ओटन्स भी बोला जाता है, जो कि एक डच इंजीनियर थे, ठीक है, एक इन्वेंटर थे, और इन्होंने कैसेट टेप का इन्वेंशन किया था. कैसेट टेप, ठीक है, ऑडियो कैसेट होती है जो, ठीक है, तो उनका इन्होंने इन्वेंशन किया था, और रिसेंटली मार्च में इनकी डेथ हो गई है. तो लू ओटन्स भी बोलते हैं, या एल एफ ओटन्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं. तो एक डच इंजीनियर और इन्वेंटर थे, जिन्होंने कैसेट टेप का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, क्लियर है. और ये फिलिप्स में इन्होंने काम किया, ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. तो लू ओटन्स एक इंपॉर्टेंट नेम है, जिन्होंने क्या किया था, कैसेट टेप का इन्वेंशन किया था. रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, ठीक है. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, कैसेट टेप से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसेट टेप किसने इन्वेंट किया था, सो दैट वाज लू ओटन्स, ठीक है, और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है. तो अगर मुझे स्टैटिक पार्ट में, जीके के स्टैटिक पार्ट में कई बार आप देखोगे, तो जैसे आप बुक्स भी रीड करते हो, तो उसमें काफी सारी इन्वेंशन दी होती है, ठीक है. तो इन्वेंशन को मैं किसके साथ रिलेट कर सकता हूँ, करंट टॉपिक्स के साथ रिलेट कर सकता हूँ, तो लू ओटन्स का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए. ओके, so that is this Louis Frederick Ottens, so that is important name for us, क्योंकि एक डच इंजीनियर थे और एक इन्वेंटर थे, ठीक है. तो लू ओटन्स इन्वेंशन. ओके, सो ही बिकेम हेड ऑफ फिलिप्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन 1960
where he and his team developed the cassette tape. ठीक है, तो कैसेट टेप important है. Later he became in 1972 director of audio at Philips NetLab, where he became involved in the next major music innovation of the CD. क्या CD आया कैसेट टेप के बाद, उसमें भी involved थे. ठीक है, तो majorly जो invention I will say कैसेट टेप की थी, so that was this fellow, so that was no buttons. तो इनका name important है हमारे. तो ये है लू ऑटन्स. हाँ जी, देख सकते हैं आप इनका फुल नेम इन्होंने बताया हुआ. सो दैट वाज आई विल से लॉजिक फ्रेडरिक ऑटन्स. ठीक है, और नीदरलैंड से बिलोंग करते थे ये. ठीक है, नेशनलिटी डच, ऑक्यूपेशन एज इंजीनियर. ठीक है, सो कॉम्पैक्ट कैसेट और आई विल से म्यूजिक कैसेट. ठीक है, टेप कैसेट, कैसेट टेप, ऑडियो कैसेट और सिंपली टेप और कैसेट. तो एक क्या होता है, ये मैग्नेटिक टेप होता है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक. ओके, सो So it was developed by the Dutch company Philips in Belgium by Lou Ottens and his team. So ये जो cassette tape जो invent किया गया था, किसने किया था? Lou Ottens और उनकी team ने किया था. कौन सी company में? So that is Philips. Clear? And this is important for us. तो ये आपको याद रखना है. So both forms have two sides and are reversible by the user. तो जो पुरानी जो cassette tapes आती थी, उसमें आप ऐसे कैसेट्स को यूज करते थे. तो लू ऑटन्स का नेम यार, अगेन आई विल से दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दिस इज द फेलो कि जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, अब देखो क्या है कि याद करने को काफी कुछ है, बट अगर हम उसे करंट के साथ रिलेट कर दें, ठीक है, तो उस ईयर में जैसे इस ईयर में जो एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें ये नेम इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी अगर एग्जाम सेट करेगा, तो अगर उसे इन्वेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डालना है, तो वो इसका डाल सकते हैं. तो जैसे ही नाम देखा, फिर ध्यान में आया कि कैसे टेप से रिलेटेड है, देन क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से पूछा जा सकता है. क्लियर है? हाँ जी, तो ऐसा होता है कैसेट, कॉम्पैक्ट कैसेट. ठीक है, सो दैट इज मैग्नेटिक टेप कैसेट. ठीक है, सो डेवलप्ड बाय फिलिप्स, यूसेज ऑडियो एंड डाटा स्टोरेज. ठीक है, सो आई थिंक ये सभी ने देखा है, सभी को पता है ये. हाँ जी, नेक्स्ट एम जी जॉर्ज मुथु. अब इसमें मुझे और क्या बताना है आपको. हाँ जी, इंडिया इज द लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनी. इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनी, सो दैट इज आई विल से दिस कंपनी. ठीक है, सो दैट इज मुथूट ग्रुप. ठीक है, इनके जो चेयरमैन है, जिनके चेयरमैन थे रिसेंटली, जिनका नाम था एम जी जॉर्ज मुथूट, जो कि ये है दिस फेलो जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो. सो दैट इज दिस एम जी जॉर्ज मुथूट. ठीक है, तो जो इसके होल टाइम डायरेक्टर भी हैं. ठीक है, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनी. गोल्ड फाइनेंस कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूट ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, उनकी डेथ हो गई है 5th मार्च 2021. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस. ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, और आई विल से इसमें क्या आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 26th richest इंडियन डिक्लेयर किए थे जॉर्ज मुथूट 2020 में. ये 26th richest इंडियन थे बाय फोर्ब्स एशिया मैगजीन. ठीक है, एंड richest मलयाली इन इंडिया. richest मलयाली इन इंडिया, केरला में सबसे richest, सो दैट इज दिस फेलो जॉर्ज मुथूट. ठीक है, और ये 26th richest इंडियन है, जो कि डिक्लेयर किया था 2020 में बाय फोर्ब्स एशिया मैगजीन. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड आई विल से इनका नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या थी इनकी, सो दैट वॉज चेयरमैन ऑफ मुथूट ग्रुप. एंड अदर देन दिस, तो ये रिचेस्ट मैन है केरला की 2020 में. ठीक है, तो इनका नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यार. देन अदर देन दिस, तो इन्होंने जो ये मुथूट फाइनेंस जो लिमिटेड थी, तो इनको काफी, इसको काफी ज्यादा एक्सपेंड किया, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को कहां तक ले गए, तो दैट इज 51,000 करोड़.
है एंड अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 872 crores. ओके सो ये जो एम जी जोस थे सो दैट वॉज अ चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ मुथूट ग्रुप. तो रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है. ठीक है तो ये मेमडी बने थे मुथूट ग्रुप के 1979 में, उसके चेयरमैन बने थे 1993 में. तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है और अब थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए मुथूट ग्रुप के बारे में. मुथूट ग्रुप क्या है? एक इंडियन एमएनसी है. ठीक है जिनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोच्ची केरला में है. ठीक है इसमें काम करते हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, मीडिया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांटेशन, प्रीशियस मेटल, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटैलिटी. ओके और ये 29 स्टेट्स अभी तो कम हो गई है 28. ठीक है उसमें ये काम करते हैं और अदर देन दिस इंडिया से अलग इनकी जो प्रेजेंस है वो दूसरी कंट्रीज में भी है, नेपाल, श्रीलंका, यूएस, यूके एंड यूएई. ठीक है सो मुथूट फैमिली ही इस मुथूट ग्रुप को क्या करती है? मैनेज करती है. क्लियर है? कब स्टार्ट हुई थी ये? हाँ जी मुथूट निनान मठाई ने 1887 में इसे स्टार्ट किया था इन अ स्मॉल टाउन इन केरला. ओके ठीक है तो आप ये देख सकते हैं मुथूट ग्रुप कहाँ किस किस सेक्टर में ये काम करता है. तो चेयरमैन की डेथ हो गई है. ठीक है दिस फेलो जॉर्ज दिस एम जी जॉर्ज मुथूट इनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है. तो अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर बिजनेस से रिलेटेड अगर मुझे कुछ बताना है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है जो न्यूज में थी, सो दैट वॉज दिस फेलो जिनकी डेथ हो चुकी है. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हाँ जी तो बस आपको इतना ही याद करना है यार, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे, क्या ऑक्यूपेशन हेल्ड करते थे वो, ठीक है और उनका नेम क्या था. सो दैट वाज दिस. हाँ जी रिसेंटली अब देखो मैं अगर इंटरनेशनल न्यूज की बात करूं तो इटली एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है उसके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं. सो दैट वॉज दिस फेलो मारियो ड्रेगाए. ठीक है मारियो ड्रेगाए तो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं इटली. क्लियर है सो दैट इज इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस. And he is the former head of European Central Bank. European Central Bank के head रह चुके हैं ये. ठीक है And other than this, अब इनसे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? सो दैट वॉज दिस फेलो, सो दैट वॉज गुसुप कोंटे. गुसुप कोंट, ठीक है और अब कौन है? मारियो ड्रेगाए. ठीक है और ये आप इनसे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनका नाम आप देख सकते हो. सो दैट वॉज गेंटिलोनी, मैटियो रेंजी, एनरिका लेटा. ठीक है तो ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इटली के. तो करंट में अभी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है. ठीक है तो गुसुप कोंट से कौन बन गए हैं अब? सो दैट इज दिस मारियो ड्रेगाए. ठीक है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हाँ जी इटली कैपिटल क्या है? सो दैट इज रोम ओनली. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज थी. ठीक है तो 8 नए गवर्नर बनाए गए हैं. ठीक है 8 न्यू गवर्नर्स, 8 राज्यों के नए राज्यपाल. तो ये आज के न्यूज़पेपर में आप न्यूज देख सकते हैं. ठीक है न्यू गवर्नर्स अपॉइंटेड इन 8 स्टेट्स, न्यू गवर्नर्स अपॉइंटेड इन 8 स्टेट्स. ठीक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं ये गवर्नर. तो इनके नाम आप देख सकते हैं, गवर्नर ऑफ मिजोरम को गवर्नर ऑफ गोवा बना दिया गया है. सो दैट इज पी एस श्रीधरन. ठीक है एस श्रीधरन देख सकते हैं आप, पी एस श्रीधरन पिल्लई गोवा के बन चुके हैं, ये पहले मिजोरम के थे. ठीक है एंड अदर देन दिस सत्यदेव नारायण आर्य, एस एन आर्य जो कि गवर्नर ऑफ हरियाणा थे, इन्हें गवर्नर ऑफ त्रिपुरा बनाया गया है, सत्यदेव नारायण आर्य. ठीक है तो ये आपको अपने आप को अपडेट करना है नेम के साथ. देन श्री रमेश ब्यास जो कि गवर्नर ऑफ त्रिपुरा थे, उन्हें गवर्नर ऑफ झारखंड बनाया गया, रमेश ब्यास. ठीक है देन अदर देन दिस श्री थावरचंद गहलोत को गवर्नर ऑफ कर्नाटका बना दिया गया है. हाँ जी थावरचंद गहलोत को क्या बना दिया गया है? गवर्नर ऑफ कर्नाटका. ठीक है ये अफकोर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं. देन अदर देन दिस श्री दिस फेलो बंडारू दत्तरे, तो इनको हरियाणा का न्यू गवर्नर बनाया गया, हरियाणा का न्यू गवर्नर बनाया गया दिस फेलो, सो दैट इज बंडारू दत्तरे. ठीक है और जो कि गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे, अब ये गवर्नर ऑफ हरियाणा होंगे. ठीक है देन अदर देन दिस हरिबाबू कंबकपति, ठीक है इन्हें मिजोरम का न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया है. देन दिस मंगू भाई छगन भाई पटेल, इन्हें एमपी का गवर्नर बनाया गया है. देन अदर देन दिस
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंगकर, इन्हें हिमाचल प्रदेश का न्यू गवर्नर बनाया गया। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट नेम्स यार, आज के न्यूज़पेपर में ये नेम्स थे, ठीक है। आप ऐसे इमेज भी देख सकते हैं, तो न्यूज़पेपर में इमेज आई हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट है नेम्स, तो अपने आपको अपडेट रखना है। तो इस ईयर में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको अपने आपको अपडेट रखना है इन नेम्स के साथ, ठीक है। ओके, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये यूनियन मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत, इनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और ये बीजेपी लीडर थे मंकू भाई छगन भाई पटेल, इन्हें न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तो कुछ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर बना दिया गया है, क्लियर। हाँ जी, तो ये सारा वो ही है जो मैंने बताया है। तो प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद ने इन अपॉइंटमेंट्स को क्लियर किया है, तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं यार। हाँ जी, अब अगेन मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक 3-member बॉडी है, ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि इलेक्शंस करवाता है। इलेक्शन करवाता है किसका? एमएलए का करवाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी के इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा और ये इलेक्शन करवाएगा? सो दैट इज अंडर आर्टिकल 324। 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करवाता है? इलेक्शन करवाता है, ठीक है, ये हमें पता है। एंड अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है, तो यहाँ पर तुम पहले जब इसकी वेबसाइट को जब तुम चेक करते थे, तो श्री सुशील चंद्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पर शो होते थे, एंड राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर वहां पर शो होते थे। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। तो अभी न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया अनूप चंद्र पांडे, श्री अनूप चंद्र पांडे। तो ये अब इसका जो स्ट्रक्चर है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर, ये पूरा हो गया, क्या हो गया, ये पूरा हो गया। तो अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, अदर देन राजीव कुमार। तो अनूप चंद्र पांडे इज अनदर इलेक्शन कमिश्नर देन दिस राजीव कुमार। तो दो इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कंप्लीट हो जाती है ये बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तुम्हें तीनों नेम्स ध्यान में रखने हैं, तीनों नेम्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सुशील चंद्र, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। ओके, तो ये मैं बता चुका हूँ, ये लोकसभा के इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्यसभा के करवाता है एमपी, क्लियर है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो आपके पंचायत इलेक्शन है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट का भी अपना इलेक्शन कमीशन होता है, जो कि पंचायत और एमसी के इलेक्शन करवाता है। तो इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कब फॉर्म हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 25 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था। और आप नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हो? 25 जनवरी, हर साल 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हो, इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। 26 जनवरी हो गया रिपब्लिक डे, तो 25 जनवरी क्या है? सो दैट इज नेशनल वोटर्स डे। तो इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? लोगों को अवेयर करता है, जागरूक करता है कि आपको अपना वोट का सही यूज करना है, क्लियर है। एंड ये मैं बता चुका हूं, अनूप चंद्र पांडे अगेन आईएएस ऑफिसर हैं ये, राजीव कुमार आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इन्हें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। और सुशील चंद्र जो कि आईआरएस थे, तो इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं ये भी, ठीक है। तो तीनों नेम्स इंपॉर्टेंट है यार। और इसकी बिल्डिंग को क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? निर्वाचन सदन। कहां पर है ये? न्यू दिल्ली में। हाँ जी, नेक्स्ट वन आई विल से। तो ये देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है यहाँ पर, ये हमने नेम्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर, सुशील चंद्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। देन इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको क्या बताए, 8 new governors मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, 8 गवर्नर बनाए गए हैं, ठीक है। सो दैट इज थावरचंद गहलोत, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, देन दिस हरिबाबू कम्बमपति, सो दैट इज मिजोरम, थावरचंद गहलोत कर्नाटका, देखो याद करना है इन्हें, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश, पी एस श्रीधरन पिल्लई गोवा, ठीक है, एस एन आर ए त्रिपुरा, रमेश बैस सो दैट इज झारखंड, बंडारू दत्तरे सो दैट इज हरियाणा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंगकर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन 8 नामों में से एक ना एक आपको क्वेश्चन दिख जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये 8 new appointments की हैं हमारे प्रेसिडेंट ने,
ओके एंड अदर देन दिस मारियो ड्रेगा जो कि नए इटली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज में थे, और इन्होंने गुसिप कॉन्ट को क्या किया है, रिसेंटली रिप्लेस किया है एज न्यू पीएम ऑफ देन मुथुट, जो ये आई विल से जो ये मुथुट ग्रुप है, ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंस जो कंपनी है, जो इसके चेयरमैन थे, सो दैट वाज एमजी जॉर्ज मुथुट, तो रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, एंड ऑल टाइम डायरेक्टर थे ये, ठीक है, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, चेयरमैन ऑफ मुथुट ग्रुप, ठीक है, तो इन्होंने इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए मुथुट ग्रुप की तो काफी इन्होंने एफर्ट किए, ठीक है, और इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, और ये रिचेस्ट मैन थे अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन दैट इज इन ईयर 2020। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन उसके बाद कैसेट टेप की मैंने बात की, कॉम्पैक्ट कैसेट या म्यूजिक कैसेट, ऑडियो कैसेट, ठीक है, तो इसको इन्वेंट किया था दिस आई विल से डच इन्वेंटर, ठीक है, जो डच इंजीनियर थे, सो दैट वाज लू ओटन्स, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो ये भी न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ नेम्स आपको ध्यान में रखने हैं यार, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गवर्नर मैं बता चुका हूं आपको, देन अदर देन दिस यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत, ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, एंड गवर्नर ऑफ मिजोरम, अब ये तुम सारा स्टडी कर सकते हो, ये मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ एज पीडीएफ फॉर्मेट, इन पीडीएफ फॉर्मेट आई विल शेयर दिस, ओके। सो देन अनूप चंद्र पांडे जो कि अगेन एक आईएएस ऑफिसर है, तो रिसेंटली इन्हें भी क्या बनाया गया, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, तो पहले राजीव कुमार थे जो कि एक रिटायर्ड आईएएस थे, एंड एक ये आईआरएस थे, ठीक है, तो दैट इज सुशील चंद्र जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो कि, क्लियर है, तो ये तीनों नेम्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है एमपी के, एमएलए के, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है, जो हमारे जो पंचायत हैं और जो एमसी हैं उसके लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, सो दैट इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ जी, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हो हर साल, सो दैट इज ऑन 25 जनवरी, कब सेलिब्रेट करते हो, 25 जनवरी, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब कब फॉर्म हुआ था, 25 जनवरी 1950, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट वन दिस इज दिस 36th गवर्नमेंट ऑफ इसराइल, ठीक है, इसराइल के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं यार, ठीक है, तो इसराइल में रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई है इसराइल में, इसराइल में गवर्नमेंट चेंज हुई है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, सो दैट इज दिस रिविन रिवलिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर क्या हुआ है, अभी आप देखोगे यहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, तो 36th गवर्नमेंट ऑफ इसराइल बनी है, और द आई विल से बेनेट लैपिड गवर्नमेंट, तो जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उसमें ये कुछ नेम्स अपीयर होंगे, 36 गवर्नमेंट ऑफ इसराइल, बेनेट लैपिड गवर्नमेंट, ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक जो सबसे फेमस जो नेम था, ओके, एक फेमस नेम आप यहाँ पर सुनते आए थे, सो दैट वाज दिस फेलो बेंजामिन नेतन्याहू, इनका आप नेम सुनते आए थे काफी, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो इसराइल की तरफ से इनका नेम आता था, तो ये ऑपोजिशन में जा चुके हैं, ओके, सो ही इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, ठीक है, अब ये ऑपोजिशन में जा चुके हैं, ओके, अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ऑन रोटेशन बेसिस दो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक तो रहेंगे दैट इज दिस नफ्ताली बेनेट, एंड अदर वन इज दिस यार, ठीक है, दैट इज यार लेपिड, ठीक है, तो ये दो आई विल से बेनेट और जो लेपिड गवर्नमेंट है, ठीक है, तो नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, रोटेशन बेसिस पर ये चेंज हो जाएंगे, 2.5 साल के बाद रैपिड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्रेसिडेंट कौन रहेगा, सो दैट इज रिविन रिवलिन, और जो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि काफी यहाँ से फेमस आई विल से फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो अपोजिशन में जा चुके हैं, ठीक है। अब तुम देख लो यहाँ पर मेंबर पार्टीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी पार्टीज गवर्नमेंट में है, यहाँ पर देख सकते हो ये सारी पार्टीज हैं, लेबर, यमीना, ब्लू एंड व्हाइट, यश, अटिड, ठीक है, न्यू होप, मेरिट्स, यूनाइटेड अरब लिस्ट, ठीक है, देन ऑपोजिशन पार्टीज में कौन कौन सी है, लुकुड, शास, यूनाइटेड तोरा, जुडाइज्म, ठीक है, जॉइंट रिलीजियस रिलीजियस जॉइनिस्ट, तो ये सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, और ये सारी की सारी क्या है, मेंबर पार्टी जो कि गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई है मैंने बताया है, और रोटेशन बेसिस पर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, दो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वन इज सो दैट इज बेनेट एंड सेकंड वन इज लैपिड, ठीक है, तो बेनेट रहेंगे स्टार्टिंग में,
स्टार्टिंग में कुछ ईयर्स 2 से 2.5 साल प्लेनेट रहेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, लेपिड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसराइल काफी ज्यादा न्यूज में रहता है यार। इसराइल जब भी तुम इंटरनेशनल केस स्टडी करते हो, ठीक है, न्यूज पेपर का, तो इंटरनेशनल वाला जो सेक्शन तुम स्टडी करते हो, तो इसराइल उसमें कहीं ना कहीं पर आप देखते हो न्यूज में रहता है, तो वहां पर ये कुछ नेम्स अपियर होंगे आपके पास। ठीक है, सो दैट इज बेनेट एंड लेपिड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अदर देन दिस आई विल से, ठीक है, ये बेंजामिन नेतन्याहू, ये अब अपोजिशन में जा चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। और रूवेन रिवलिन प्रेसिडेंट है यहाँ के। कब फॉर्म हुई है गवर्नमेंट? 13 जनवरी 2021 में फॉर्म है। ओके, सो ये है, इसमें मैंने बताया आपको 36 गवर्नमेंट ऑफ इसराइल है, ऑफ दैट इज बेनेट लेपिड गवर्नमेंट, एंड 13th जून को ये कैबिनेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, और इसराइल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए हैं अभी 2021 में। अब दो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि दो प्राइम मिनिस्टर होंगे ड्यूरिंग इट्स ड्यूरेशन। रोटेशन एग्रीमेंट हुआ है, सो दैट इज नफ्ताली बेनेट ऑफ यमीना पार्टी विल सर्व एज प्राइम मिनिस्टर अंटिल 27 अगस्त 2023। ठीक है, तो 2 साल के लिए तो कौन रहेंगे? सो दैट इज बेनेट रहेंगे, उसके बाद लेपिड हो जाएंगे। कौन सी पार्टी से? सो दैट इज यश आतिथ्य। ठीक है, यश आतिथ्य से क्या है, ये बिलोंग करते हैं पार्टी से, क्योंकि नवंबर 2025 में क्या रहेंगे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, तो रोटेशन बेसिस पर आप इसराइल में आप क्या देखोगे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि न्यूज में काफी ज्यादा रहते थे, वो अब ओपोजिशन में जा चुके हैं। ओके, सो दैट वाज दिस। ठीक है, अब देखो यार, इसराइल की जो पार्लियामेंट है ना, उसका जो नेम है, सो दैट इज निसे, ANESS, ये साइलेंट बोलते हैं, इसे निसेट बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, उसका नाम संसद है। संसद क्या है? संसद। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे नेम्स हैं, जैसे बांग्लादेश की जातीय संसद, चोगड़ू भूटान की। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो पार्लियामेंट है, उनके पार्लियामेंट के नेम अलग अलग है। हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसे संसद भवन बोलते हैं। तो ऐसी जो इसराइल की जो पार्लियामेंट है, उसे, उसका नेम क्या है? सो दैट इज निसेट। क्या नेम है उसका? निसेट। एम आई क्लियर और नॉट? तो निसेट नेम है, KNESS। तो जहां पर ये आपके मिनिस्टर बैठते हैं, गवर्नमेंट बैठती है, तो जैसे हमारी पार्लियामेंट है संसद, तो ऐसी इसराइल की पार्लियामेंट की बिल्डिंग का क्या नाम है? सो दैट इज निसेट। क्लियर है? तो अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्लियामेंट, आई विल से जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, उनका नेम, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जा सकता है। करंट में आएगा तो प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है? ऑपोजिशन में जा चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यस, क्लियर है? तो इसराइल जब भी तुम इंटरनेशनल पेज स्टडी करते हो न्यूज पेपर का, तो उसमें तुम्हें देखने को मिलता ही है। मैं आई विल से कि आप वीकली देख सकते हो, वीक में एक ना एक बार इसराइल का न्यूज रहता ही रहता है। ओके, सो इसराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। ठीक है, तो निसेट तुम्हें याद रखना है, यहाँ की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम है। एंड अदर देन दिस, यहाँ पर रूवेन रिवलिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और बेनेट यहाँ पर न्यू प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं 2023 तक, फिर 2023 से लेकर 2025 तक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो दो पार्टी के नेम यहाँ पर याद करने हैं, यमीना का नाम याद करना है, एंड दिस इज यश आतिथ्य। ये दो पार्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट वॉज दिस। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए। इसराइल का स्टडी किया, देन हमने इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी किया। यहाँ पर अनूप चंद्र पांडे न्यू इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए हैं, ये पोस्ट काफी दिन से वैकेंट थी, ये भी IAS ऑफिसर हैं। तो अब ये इनके मेंबर्स पूरे हो गए हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। देन रिसेंटली जो आज न्यूज में थे, 8 स्टेट्स के आई विल से न्यू गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, इसमें कुछ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर बना दिया गया, जैसे थावरचंद गहलोत, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, थावरचंद गहलोत, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? राजस्थान से, और इन्हें कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया। सिमिलरली हरियाणा में SN नारायण गवर्नर थे, इन्हें त्रिपुरा का बना दिया गया। देन बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, राजेंद्र विश्वनाथ हरलिंकर, तो इन्हें हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बना दिया। मध्य प्रदेश, मंगू भाई छगन भाई। ठीक है, एंड PS श्रीधरन गोवा के गवर्नर बना दिए गए हैं, एंड हरिबाबू कम्बमपति मिजोरम के गवर्नर बना दिए गए हैं। ठीक है, तो काफी तो शफल ही किया जो ऑलरेडी गवर्नर थे, चेंज कर दिया, जैसे SN आर्य का मैंने नाम बताया आपको। ठीक है, तो काफी तो चेंज कर दिया गया है, और एक दो मिनिस्टर को भी गवर्नर बना दिया।
So this person, Mario, this person Mario Draghi, इन्हें क्या बना दिया गया, इटली का न्यू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिन्होंने रिसेंटली जोसेफ कॉन्ट को क्या किया गया, रिप्लेस किया, ठीक है, ये न्यूज में थे. देन मुथूट ग्रुप के चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर की डेथ हो चुकी है, सो दैट वाज दिस फेलो एमजी जॉर्ज मुथूट, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है. और ये आई विल से केरला के रिचेस्ट मैन भी थे, ठीक है, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई. देन इनके अलावा एक और फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, लू बटन्स, जिन्होंने क्या किया था, कैसेट टेप का इन्वेंशन किया था, ऑडियो कैसेट, ठीक है, म्यूजिक कैसेट बोलते हो, कॉम्पैक्ट कैसेट, तो उसका इन्वेंशन किया था, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है. नीदरलैंड से बिलोंग करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लू ओटन्स. ओके, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एन रंगास्वामी, ठीक है, ये सीएम है, कहाँ के हैं, अभी फ्यूचर के हैं, ठीक है, तो बीजेपी और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने मिलकर क्या करा है, ये गवर्नमेंट बनाया है यहाँ पर, और किरण बेदी को यहाँ यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एज लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे चार्ज ले लिया गया है, ठीक है. और जो तेलंगाना के जो गवर्नर हैं, दैट इज दिस डॉक्टर तमिलिसाई सुंदर राजन, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है. तो ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो सर्जन जनरल ऑफ इंडिया वी हैव डिस्कस्ड. So, Ajay Mathur, we have discussed last time. Okay. So, these were some of the more important personalities that I have discussed today. Okay. So, I will meet you next time with some more important personalities. Because personalities mein yahan par bol raha hu ki important hai. Other than this, kafi sari appointment posting hai. Kafi sari kisi committee mein koi appoint kar diya gaya hai, kisi committee mein koi appoint kar diya gaya hai. But, rather than, ab yahan par hum kya kar rahe hain, sirf important hi discuss kar rahe hain, jo ki humse pucha ja sakta hai. Exam mein iski probability bahut zyada hai. वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग योर वीडियो, थैंक्स वंस अगेन.